Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ फ्रेंड्स, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी हटाइए, देखिए यहाँ पे ये जो लाइनिंग आ रही है तो इसको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद ये कई तरह से प्रॉब्लम आते हैं। ये LCD का भी प्रॉब्लम हो सकता है, वायर का भी हो सकता है, कनेक्टर का भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लूज कनेक्टिविटी है जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं ये प्रॉपरली। अभी देखिए कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, छोड़ देने पे देखिए आ जा रहा है और फिर चला जा रहा है आ रहा है। तो इसको अभी हम खोल के प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। तो कंटिन्यू आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो अब डिस्प्ले को ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइनिंग आ रही है इस तरह से, तो इस लाइनिंग को कैसे आप प्रॉपर सही कर सकते हैं। तो अभी डिस्प्ले को ओपन करेंगे तो अब देखेंगे कि ये तो ऑन है, और यहाँ पे जो इस तरह से अगर आपको लाइनिंग आती है और इस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन आता है, तो इसको आप प्रॉपर एक एक करके कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस पर दो तीन सारी कंडीशन होती है, LVDS से भी प्रॉब्लम आता है। तो आप लैपटॉप में LVDS जो सेक्शन होता है उसको चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर चेक करने के लिए LVDS सेक्शन आगे बताया जाएगा। फिलहाल अभी देखते हैं कि इसके जो कनेक्टर है उससे प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है। तो पहले तो इसको ऑफ़ कर लीजिए एक बार, इसको ऑफ़ करेंगे ऑफ़ करने के बाद इसको कनेक्टर को निकालेंगे यहाँ से। देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कनेक्टर है LCD का, तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे, अच्छा से क्लीन करके और फिर इसमें हमें लगाना है। तो अगर लूज कनेक्टिविटी होगा या डस्ट या कार्बन हो गया होगा या प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा होगा तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है, ठीक है। साथ ही ये जो कनेक्टर है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश वगैरह से इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद प्रॉपर लगाकर फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो LVDS का ये जो कनेक्टर है डिस्प्ले का यहाँ पे, तो इसको प्रॉपर हम पहले तो IP वगैरह कुछ से साफ़ करते हैं, उसके बाद हम आपको प्रॉपर दिखा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वाईफाई का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ जो USB एक्सटर्नल साइड में है इसका कनेक्टर यहाँ पे दिया है। ये है कीबोर्ड का कनेक्टर, ठीक है, बैटरी का कनेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो लैपटॉप है Acer का है, आप देख सकते हैं ये Acer कंपनी का लैपटॉप है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था स्क्रीन पर लाइनिंग आ रहा था, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। कंटिन्यू देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। तो कनेक्टर को IP से साफ़ करेंगे ऐसे, इसको साफ़ करने के बाद यहाँ पे LVDS का जो कनेक्टर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का सा साफ़ करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद प्रॉपर अच्छे तरह से फिक्स करना है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर अगर नहीं फिक्स होगा तो फिर प्रॉब्लम आपको वही आएगा। तो प्रॉपर आपको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, इसको प्रॉपर बैठ गया है
फिर इसको वहाँ से ऊपर से चिपका देंगे, जो प्लास्टिक होता है प्रॉपर उसको चिपका देंगे, ठीक है। फिर इसको फिक्स करते हैं डिस्प्ले को, और डिस्प्ले को फिक्स करने के बाद स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू लगाने के बाद इसको प्रॉपर ऑन करके हम आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं। तो पहले तो स्क्रू लगा लें ताकि इस जो डिस्प्ले है ये गिरे नहीं। डिस्प्ले लगा दिए, टाइट कर दिया गया है, फिर भी एक दो पे अच्छा भी छोटा। और बैटरी लगाइए, बैटरी लग गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी लग गया। और फिर हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा कि नहीं, तो देखेंगे कि ये प्रॉब्लम फिर वैसे ही आ रहा है। पर यहाँ पे जो कनेक्ट, आप देखेंगे कनेक्टर को यहाँ से प्रेस करने के बाद प्रॉब्लम चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि आप इस पर जो वाइट टेप आता है उसको लगा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आपका कंटिन्यू ऐसे ही बना रहा है तो आप वाइट टेप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे साफ़ करने से भी नहीं हुआ, लूज कनेक्टर है उसको भी ट्राई कर लिए। अब इस पर हम क्या करते हैं कि एक वाइट टेप लगाते हैं। तो वाइट टेप कैसे लगाएंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। तो डिस्प्ले को रिमूव करिए फिर से, तो रिमूव करिए इसको, डिस्प्ले को रिमूव करिए, इसको भी रिमूव करिए। और ये वाला टेप है डबल साइड, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे रखें और इसके अंदर हमें ये जो है इस पर अटैच होना चाहिए हल्का, इसके बस यहाँ तक लगा। और इसको प्रॉपर ये देखेंगे कि यहाँ से प्रॉब्लम आपका ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लाइनिंग थी वो लाइनिंग आपकी चली गई है। अगर प्रॉब्लम डिस्प्ले का आ गया है तो डिस्प्ले को चेंज ही करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इसको कैसे आप, मतलब अगर हल्का एक दो लाइन आ रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जिस साइड से आ रहा है उस साइड से ओपन करके और साइड में जब प्रेस करेंगे वहाँ पर जो आईसी होती है उसको प्रेस करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले बंद हुआ। तो अगर प्रॉब्लम अगर डिस्प्ले का आया तो उस कंडीशन में आपको डिस्प्ले ही चेंज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पेपर लगाया है यानी वाइट, तो वाइट पेपर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली ये आपका जो है लाइनिंग ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से जो पेपर होता है ना, कफ आईसी होता है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके डिस्प्ले पर लाइनिंग आनी चालू हो जाती है। तो इस तरह से आप जो आपका लैपटॉप है उसको जो कफ आईसी है वहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ पे या अंदर से टेप टाइट करके लगा सकते हैं और इस तरह से जो प्रॉब्लम होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।